Assalamualaikum my YouTube family, उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह सब ठीक होंगे। आज दोबारा हम वीलॉग बनाने जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन का, और ये बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है हमारे छोटी सी प्यारी सी गर्ल की। और आज जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने बर्थडे वीलॉग में हमने क्या क्या किया है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हमने क्या क्या तैयारियाँ की हैं और क्या क्या जो है वो हमारी एफर्ट्स इसमें लगी हैं। तो आइए चलते हैं अपने बर्थडे वीलॉग की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, वी आर ऑन द वे, हम जो है वो अभी जा रहे हैं अपनी शॉपिंग के लिए। तो अपनी शॉपिंग के लिए हम जा रहे हैं तो आपको साथ साथ जो है वो मैं सारी चीज़ें शेयर करती जाऊंगी कि हम लोगों ने जो है वो क्या क्या शॉपिंग की थी और कहाँ कहाँ से शॉपिंग की थी। इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको पूरे जगह की, पूरी मार्केट की कराऊंगी यहाँ पर एक तरह से शॉपिंग। तो आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि हम कौन कौन सी शॉप्स पर गए और हमने क्या क्या परचेज किया है। अच्छा, परचेज करते हुए जो है वो मैं आपको पूरा वीलॉग दिखाऊंगी। इस वीलॉग के अंदर हम जो है वो देखेंगे अपनी सारी चीज़ें, हमने क्या क्या एफर्ट्स की हैं। तो हम जो है वो अभी अपने रास्ते में हैं। जो लोग हैदराबाद से हैं वो ज़रूर इस जगह को जानते होंगे कि हम कौन से वाले रास्ते पे यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूँ, ये जो है वो हम जा रहे हैं कैंट एरिया से अपनी सिटी की तरफ। और सिटी में जो है वो हम जाएंगे यहाँ से सबसे पहले कोहिनूर की मार्केट। तो हैदराबाद में सबसे ज़्यादा जो मशहूर मार्केट है वो है कोहिनूर की। वहाँ पर आपको हर किस्म की जो है वो वैरायटी मिल जाती है। अच्छा, उसके अलावा हमने जो है वो कैंट से भी जो है की थी वो शॉपिंग, लेकिन वो मुझसे मिस हो गया है, वो मैंने उसका वीलॉग नहीं बनाया है। चलें कोई बात नहीं, उसका वीलॉग मैं नेक्स्ट टाइम आपको शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो है वो हम अपने ऑन द वे हैं, अपने रास्ते में हैं। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अब जो है वो हम आ गए हैं कोहिनूर की अच्छी सी मार्केट में। यहाँ पर जो है वो बच्चों की बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ जो है ना वो ज़बरदस्त प्राइस के अंदर जो है वो मिल जाती हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो है वो हम आए हैं बच्चों की दुनिया में, और यहाँ पर जो है सारा किड्स का सामान मौजूद है। यहाँ पर हम ढूंढने आए हैं अपने बेटे के लिए बर्थडे का ड्रेस। और ये हम सारे शॉपकीपर से जो है वो पूछ रहे थे कि 6 मंथ्स बेबी का बर्थडे का किस तरफ जो है वो हमें मिल सकता है पैंट और कोट। तो हमारी जो बर्थडे थीम थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने करनी थी शॉपिंग। बर्थडे थीम आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी थोड़े टाइम बाद कि हमारी बर्थडे थीम क्या थी और हमने इसके लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। तो ये हम आप देख सकते हैं कि ये हम हैं कोहिनूर की बड़ी ही ज़बरदस्त सी शॉप्स पे। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ का विज़िट। और यहाँ पे जो है वो मिलते हैं बच्चों के बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रेसेस। ये हम आए हैं एक शॉप पर और यहाँ पर जो है वो गर्ल्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी मौजूद है। आप देख सकते हैं किड्स वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। और इस शॉप का नाम मैं आपको अभी बताती हूँ, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके विंटर कलेक्शंस और समर कलेक्शंस जो है वो है बहुत ही ज़बरदस्त सी। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाती हूँ अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किड्स कॉर्नर, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वहाँ पे मौजूद है। आप मतलब ऑल इन वन आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो है वहाँ पे, यहाँ पे स्किट्स और टॉयज़, और इसके अलावा जो है यहाँ पे कपड़े वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो है वो हमने यहाँ पर कर लिया है विज़िट, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ अच्छा सा समझ नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की वैरायटी ज़्यादा मौजूद थी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट शॉप पे। ये आप देख सकते हैं ये है लेस की शॉप। यहाँ पर प्यारे प्यारे टेडी बियर्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोहिनूर जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत मशहूर मार्केट है यहाँ की। तो आप जो है वो यहाँ से कुछ भी चीज़ जो है वो परचेज़ कर सकते हैं इजीली।
बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे चीज़ें होती हैं मौजूद। और ये हम आ गए हैं ज्वेलरी शॉप पे। यहाँ पर हमने कुछ ज्वेलरी देखी लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया है यहाँ पे। और यहाँ पे सैंडल्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो होती है यहाँ पर, सैंडल्स की वैरायटी। और इसके अलावा बैग्स और बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर होता है, बड़ी ही ज़बरदस्ती जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी शॉपिंग हो जाती है। अगर आप कोहिनूर जाएंगे तो आपको मतलब ऑल इन वन यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से आप जो है वो अपनी सारी चीज़ें खरीद के ही वापस जो है ना वो घर पर आएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम आए हैं। यहाँ पर हमें अपने चाहिए था बच्चे के लिए सूट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि हमें चाहिए था बहुत ज़्यादा छोटे बेबी का सूट, तो वो हमारे लिए थोड़ा हो रहा था डिफ़िकल्ट क्योंकि इतने छोटे बेबी का जो है ना वो सूट यहाँ पर मिल नहीं रहा था। कुछ थोड़ी मुश्किल पेश आई हमें यहाँ पर चीज़ें देखने में। हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही दुकानें शॉप्स वगैरह जो थी यहाँ पे सारी देख ली थी, सारी छान ली थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो छोटे बच्चे का कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। अब जो है वो हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। और ये मैं आपको दिखा दूँ, हमें जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गई थी देर और यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स जो है हो गई थी बंद। तो हम जा रहे हैं, हमने अपना ड्रेस जो है वो ले लिया है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि हमने किस तरह से जो है वो अपने बेबी की शॉपिंग की थी, हमने क्या परचेज़ किया था, किस टाइप का जो है वो हमने सूट लिया था। ये हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पर तवक्कल पे भी जो है बहुत ज़बरदस्ती जो है वो मिल जाती हैं लेडीज़ के ड्रेसेस। हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो शॉप्स हो गई हैं बंद, जैसे कि आपने अभी पीछे देखा था सारी शॉप्स हो गई हैं बंद। और हम अपने घर की तरफ हैं रवा दवा। हम आ गए हैं चहाड़ी से नीचे और ये हम जा रहे हैं अपने घर पे लतीफ़ाबाद की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ की हैं बहुत ज़्यादा रोड ख़राब हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भरा हुआ था पानी, गंदा पानी, और हमें जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कि आप देख सकते हैं रोड पर कितना ज़्यादा जो है वो ख़राब पानी, गंदा पानी था। और ये अब साथ में यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं, यहाँ पे फ्रूट्स वाले भी बहुत खड़े होते हैं। हमारी हो गई है यहाँ पे गाड़ी बंद और गाड़ी ख़राब। तो ये हम आ गए हैं अब पेट्रोल पंप पे और यहाँ से हम भरवाएंगे पेट्रोल। बीच रास्ते में जो है वो हमारा हो गया था पेट्रोल ख़त्म, तो उसके बाद जो है वो हम आए वापस बैकवर्ड हुए, वापस रॉन्ग वे की तरफ से आए और यहाँ पर हमने जो है वो वेट किया पेट्रोल डलवाने का और हम यहाँ पर भरवाएंगे पेट्रोल। उसके बाद जो है वो हम जाएंगे वापस अपने घर की तरफ। तो हम करते हैं थोड़ा सा वेट और ये अंकल जी है वो थोड़ी सी ही देर में हो गए थे फ्री और इन्होंने जो है वो फिल किया हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल।
तो हमने भरवाने लगे हैं पेट्रोल। उसके बाद जो है वो हम जाते हैं वापस अपने घर की तरफ दोबारा से रॉन्ग वे लेकर। अच्छा, पाकिस्तान में जो है ना ये बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं है कि आपने जो है ना वो रॉन्ग वे से निकालना है और या तो सीधे, क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो रॉन्ग से ही निकाल रहे होते हैं। लेकिन अगर बाहर मुल्क में ऐसा हो जाए ना तो बड़ा ही ना कोई हंगामा हो जाता है। अच्छा, ये जो है वो आप देख सकते हैं, ये है मैग्नम मॉल, बड़ा ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही टाइम बाद जो है ये हुआ है ओपन, इसकी हुई है ओपनिंग, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से जो था ये पेंडिंग में था। जो जिन लोगों ने ये मैग्नम मॉल नहीं देखा है वो लोग ज़रूर आकर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ना कम वैरायटी है चीज़ों की, और काफ़ी शॉप्स जो है वो अभी तक स्टिल यहाँ पर जो है वो है बंद। अगर आप आना चाहें तो ज़रूर आकर देखें। और इसके अलावा जो है वो ये हम जा रहे हैं अब अपने कैंट एरिया से अपने घर की तरफ, और ये हम हैं अपने घर की तरफ रवा दवा। और ये आपको बड़ा ही फेमस, बड़ा ही पुराना जो है वो न दिखाती हूँ मैं आपको, ये है बड़ी ही पुरानी सी बेकरी उकाब बेकर्स, और इसके साथ जो है वो है सज्जी हाउस। ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर आकर खाना खा चुके होंगे, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना रेस्टोरेंट है हैदराबाद का। अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएँ, और यहाँ की जो है वो कढ़ाई बड़ी स्पेशल होती है, यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ साथ ही यहाँ के कबाब वगैरह भी बहुत ही होते हैं ज़बरदस्त से। ये हम आ गए हैं अमेरिकन हॉस्पिटल में, इसको भी सब जो है जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा सात नंबर में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे खड़े होते हैं बड़े ही ज़बरदस्त से फ्रूट्स वाले, और यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्ती जो हैं वो फूड शॉप्स हैं। इसके अलावा बाकी शॉप्स भी मौजूद हैं। अनदर सरप्राइज फॉर यू, हम आ गए हैं यहाँ पर 8 नंबर की मार्केट में। 8 नंबर की मार्केट को हम कहते हैं क्लॉथ मार्केट। तो हम आ गए हैं यहाँ पे क्लॉथ मार्केट में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बेबी के लिए सूट। मुझे जो है वो चाहिए था अपनी बहन की बेटी के लिए सूट, तो वो हम आए हैं एक अच्छी सी प्यारी सी शॉप पे, और इनके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी जो है वैरायटी मौजूद होती है। इसके पीछे आप देख सकते हैं अनमोल किड्स शूज़, ये जो है वो हमारी शॉप है। आप लोग ज़रूर आकर यहाँ पर विज़िट लाजमी कीजिएगा, खरीद के भी जाइएगा, खाली विजिट ही नहीं करना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बच्चों की थी बहुत ही ज़बरदस्त गर्ल की वैरायटी। इस गर्ल्स के साथ साथ जो है यहाँ पे बॉयज़ की वैरायटी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा, इनको जो है ना वो पता नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से जो है वो बेचारे अपने काम में लगे हुए हैं और ये चीज़ें जो है मुझे दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं प्यारा सा रॉम्पर, विंटर्स का रॉम्पर इन्होंने मुझे दिखाया। इसके अलावा जो है इन्होंने मुझे दिखाई नहीं थी कुछ फ्रॉक्स, वो भी मुझे कुछ समझ आई हैं। और ये आप देख सकते हैं एक एक और इन्होंने दिखाया मुझे येलो कलर का रॉम्पर, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था तो मैंने ये वाला ले लिया था। और ये आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुझे सारी वैरायटी जो है वो दिखा रहे हैं। ये वाला भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें से जो है वो मुझे लेने थे बेबीज़ के लिए सूट, कुछ ड्रेसेस लेने थे, तो यहाँ पर जो है वो मैंने किए थे पसंद, और यहाँ से मैंने ले लिए थे इनसे कुछ ड्रेसेस। इनके पास जो है विंटर कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी मौजूद थी। इसके अलावा समर भी इनके पास बहुत अच्छी मिलती है। मैं ज़्यादातर जो है वो इन्हीं से ही बच्चों की जो है वो लेती हूँ चीज़ें। ये देखें, इसके साथ साथ और मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ मैंने कौन कौन सी जो है वो ली थी इनसे चीज़ें। ये मैंने अलग करवा ली हैं, ये वाला मैंने येलो वाला ये वाला लिया था इनसे, और ये मैंने इनसे करवा लिया था पैक। और इसके अलावा मैंने लिया था इनसे एक और सूट। एक ये वाला मैंने इनसे डन करवा लिया था, दूसरा जो है वो मैंने इनसे जी ये वाला मैंने इनसे ले लिया था। अच्छा, इनको पता नहीं है कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, इनको वाकई में बिल्कुल भी नहीं पता था। जब भी जो है ना ये कैमरे की तरफ बिल्कुल भी देख नहीं रहे, इनको पता नहीं है। मैंने मोबाइल जो है बिल्कुल इस तरह से जो है वो कैजुअली पकड़ा हुआ था कि उनको पता नहीं लगा कि मैं इन बेचारों की वीडियो बना रही हूँ। खैर, वीडियो बनाने का तो कोई इशू नहीं है, बस ये है कि आप इनकी शॉप पर ज़रूर आइए। अनमोल किड्स शूज़ के बिल्कुल फ्रंट पर ये होते हैं, और इनके पास होती हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर ड्रेसेस।
ज़रूर आइएगा, इनसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम जा रहे हैं ये 8 नंबर की मार्केट को विज़िट करते हुए, और यहाँ पर भी जो है वो मिलती हैं बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ें, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, इसके अलावा जो है वो ये आप देख सकते हैं ड्रेसेस और टॉयज़, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। जिन लोगों ने 8 नंबर क्लॉथ मार्केट को देखा होगा उन सबको ही इसके बारे में पता होगा। यहाँ पे हाई फाइव भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फैंसी ड्रेस, फैंसी सूट की नहीं सॉरी फैंसी सैंडल्स और बैग्स यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, लेकिन होते हैं थोड़े से कॉस्टली। तो इसके अलावा मैं आपको बाकी की भी चीज़ें दिखाती चलूँ। यहाँ पर मिलती हैं बहुत ही ज़बरदस्त से डेकोरेशन अपने रूम के, अपने अगर कुछ भी चाहिए तो 8 नंबर ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे बड़ी ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेड में जो है वो होती हैं वैरायटी मौजूद आपकी रूम डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जैम होता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो सब लोग जो है बाइक्स लाकर अपनी अपनी जो है ना वो खड़ी कर देते हैं और खड़ी करके जो है ना वो भूल जाते हैं। हम आ गए हैं अपने घर पे और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कार्ड। ये जो है मैंने कार्ड किया था खुद डिज़ाइन, इस पर खुद मैंने इसको किया था सर्च। इसके अलावा इस पर जितने भी राइटिंग और जो कुछ भी एडिटिंग वगैरह हुई भी है ये सब मैंने की थी, और इसको जो है वो मैंने पूरा डिज़ाइन किया था। इसका जो है हमने निकलवाया था सिर्फ प्रिंट आउट, और ये किए थे हमने लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जहाँ जहाँ जाने थे। ये आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा सा मिनी माउस का एक कार्ड बना हुआ जिसके अंदर हमने अपनी सारी चीजें की थी शामिल। और ये हम लगवाने आ गए हैं मेहंदी, बड़ी ही जबरदस्त सी मेहंदी मैं लगवाने आई हूँ अपनी बहुत ही एक जानने वाली के यहाँ पर लगाती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मेहंदी है। अच्छा इन्होंने जो है वो मेरे शादी पर भी इन्होंने ही मेहंदी लगाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त मेहंदी लगाई थी और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं जब भी इनसे मेहंदी लगवाती हूँ तो ज़्यादातर मेरे पास यही डिमांड आती है कि आपने मेहंदी कहाँ से लगवाई है, बड़ी ही ज़बरदस्त मेहंदी लगी हुई है, कहाँ रहती हैं। और ज़्यादातर लोग जो है वो इनको करते हैं रिकमेंड कि आप जो है वो मुझे बताएं, मैं भी वहीं से मेहंदी लगवानी चाहूँगी। अगर आपको भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या अगर आपको भी मेहंदी लगवानी है इनसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कर दें मैसेज। जो लोग हैदराबाद में रहने वाले हैं ये ऑफ़र सिर्फ उन लोगों के लिए, तो वो लोग मुझे कर दें मैसेज और मैं जो है वो उनको बता दूँगी कमेंट सेक्शन के अंदर, वो मुझे बताएँ कि किसको मेहंदी लगवानी है। मैं आप लोगों को इनसे पूछ कर बता दूंगी, अगर ये मेहंदी वहाँ पर लगाना जाना चाहती हैं तो वो ज़रूर लगा सकती हैं वहाँ पे मेहंदी। वैसे इनके पास माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुकिंग्स आ जाती हैं। अच्छा ये जो है कोई एक पॉलर वगैरह में इनका पॉलर नहीं है, ये कहीं मतलब के बैठती नहीं किसी पॉलर के अंदर, इन ये जो है वो खुद घर के अंदर ही मेहंदी लगाती हैं और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त मेहंदी लगाती हैं कि इनके घर के अंदर ही अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहंदी की वजह से। इनकी मेहंदी बहुत ही ज़्यादा नफीस और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी लगी हुई होती है मेहंदी। ये आप देख सकते हैं इन्होंने मेरे एक पाँव जो है वो कर दिया है डन, और ये जो है वो नेक्स्ट वाले पर लगा रही हैं मेरी मेहंदी। ये देखिए मैं आपको पूरा जो है वो दिखाती हूँ उन्होंने किस तरह से मेरे बड़ी ही मेहनत के साथ बहुत ही नफीस बहुत ही ज़्यादा बारीक मेहंदी लगाई है इन्होंने। इसके साथ साथ जो है ना वो हमारी बातें भी चली जा रही थी यहाँ वहाँ की इधर उधर की, वो मैंने कर दी हैं फ़िलहाल म्यूट क्योंकि वो कुछ जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर उनकी बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद होते हैं, उनकी भी जो है वो बातें हो रही होती हैं, तो सबकी अपनी एक पर्सनल जो है वो होती है, तो उस हिसाब से सब नहीं पसंद करते कि उनकी बातें जो है वो रिकॉर्ड हों या किसी के सामने आए। ये आप देख सकते हैं ये मेरी ऑलमोस्ट मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और मेहंदी ये मेरे लगा रही हैं।
थोड़ी ही देर के अंदर मैं इसको दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक, कि इन्होंने आफ्टर जो है वो लगाने के बाद जो है वो किस तरह का लुक आ रहा था, किस तरह की मेरी मेहंदी लग रही थी। तो थोड़ा सा करें आप वेट। अच्छा जी, हमारी हो गई है पाँव के अंदर डन। अब हम लगवाने वाले हैं अपने हाथ पे मेहंदी। हमने स्टार्ट कर दी है अपने हाथ पे मेहंदी, और ये आप देख सकते हैं बड़ी ही प्यारी सी लगा रही हैं ये हाथ पे मेहंदी। जैसे ही फाइनल होती है मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से इन्होंने जो है वो डिज़ाइन हमारे लगाया था हाथ पे। ये आप देख सकते हैं बड़ी ही नफासत के साथ, बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही बारीक बारीक सा ये लगा रही हैं डिज़ाइन, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ इन्होंने लगाई थी मेरी मेहंदी। इसी वजह से जो है वो मैं इनके पास ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगती है इनकी मेहंदी बहुत ही प्यारी। मैं आपको ये पूरा दिखाती हूँ इसका, इन्होंने जो है वो मेरे मेहंदी जो बड़ी ही ज़बरदस्त सी लगाई थी। इन्होंने लगा दी है मेरे एक हाथ पे मेहंदी, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये आपको दिखाती हूँ मैं पाँव की मेहंदी, देखें लग रही है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, और बहुत ही इन्होंने बनाया है ज़बरदस्त सा डिज़ाइन। आई लव इट, और मुझे बहुत पसंद आई, और ये मेरे हाथ पर हो रहा है कंटिन्यू डिज़ाइन। और सेकेंड हाथ जो है वो मेरा हो गया है अब शुरू, अब लगाने वाली हैं ये सेकेंड हाथ पे मेहंदी। अब ये देख सकते हैं ये मेरा स्टार्ट हो गया है सेकेंड वाला हैंड। यहाँ पर जो है मुझे चाहिए था बहुत ही ज़्यादा लाइट सा डिज़ाइन, क्योंकि मेरा जो बच्चा था ना वो रो रहा था और कर रहा था वो बहुत ज़्यादा तंग। तो मैंने इनको बोला कि आप जो है ना वो मेरे दूसरे वाले हाथ पर लगा दें कम कम। तो ये आप देखें, ये इन्होंने मेरे लगाई है दूसरे वाले हाथ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी मेहंदी। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं, और बहुत ही जो है ना वो अच्छी लगाती हैं मेहंदी। ये ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट होने वाला है, और मेरे बाहर जो है वो खड़े हुए हैं हस्बैंड और कर रहे हैं वेट। तो इस वजह से मैंने इनको बोला बस जल्दी जल्दी से तुम मेहंदी लगा दो, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आपने, मैंने लगवाया है इनसे ये वाला डिज़ाइन, लगी है बहुत ही ज़बरदस्त, और इसका कलर भी आया था बहुत ही ज़बरदस्त। मैंने अपने जो है वो लिखवाया था हाथ पे नाम, और ये है हमारा प्यारा सा ड्रेस, ब्लैक कलर का ड्रेस, क्योंकि हमारी थीम जो है वो है ब्लैक पर, ब्लैक और रेड हमारी थीम थी। साथ ही जो है मैं आपको शेयर करती हूँ कि हमने थीम क्या रखी थी। ये आप देख सकते हैं बड़ी ही ज़बरदस्त सी इसकी स्लीव्स बनी हुई हैं। ये मैंने ऑनलाइन किया था ऑर्डर अपनी साड़ी, और ये साड़ी मैंने स्टिच करवाई। फिर इसके साथ ही जो है वह हम निकाल रहे हैं अपने प्यारे प्यारे से एयरिंग्स। ये मैंने एयरिंग्स परचेस किए थे रिसेंटली जब मेरी साड़ी स्टिच होकर आ गई थी। ये देखें, मैंने कुंदन के एयरिंग्स परचेस किए हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एयरिंग्स जो थे। इसके साथ साथ मुझे मिला था इसका टीका, अब जो है वो ज़्यादातर आ रहे हैं इसके साथ टीका, लेकिन मैंने जो है वो टीके को बनवा लिया था इसका नेकलेस, लेकिन मैंने वो वाला नेकलेस नहीं पहना है, मैंने दूसरा इसके साथ मैंने ऑनलाइन किया था ये ऑर्डर, और ये मैं इसके साथ पहनने वाली हूँ। ब्लैक नेल पेंट मैंने किया था परचेज़। इसके अलावा मैंने परचेज़ की थी ये ब्लैक ब्लैक सी चूड़ियाँ, क्योंकि मुझे पूरा करना था अपना ब्लैक का। और साथ साथ ये आप देख सकते हैं ये मैं लेकर आई थी अपने बेबी के लिए प्यारा सा ड्रेस। ये फोर पीस ड्रेस था, इनर जो था उसका रेड था, इसकी शर्ट, इसके अलावा पैंट और इसका कोट था ब्लैक कलर का। ये देख सकते हैं ये कर रहे हैं यहाँ पे शरारतें करते हैं जो है ना वो हमेशा ये पाए जाते हैं। इनको अभी खैर पता नहीं है कि इनकी वीडियो बन रही है क्या, और ये हर वक्त जो है वो चल रही होती है यहाँ पे हमारी पोयम, ताकि ये रहें खामोश। जी हाँ, ये आ गई है हमारी बर्थडे थीम, ये आ गए हैं हम हॉल के अंदर, और हमारी बर्थडे थीम जो है वो आप लोग बताएंगे कि क्या है, कौन सी बर्थडे थीम थी।
जब तक आप ये हॉल देखें और मुझे बताएं बर्थडे थीम से। जैसे ही स्टेज पर जाएंगे मैं आपको फौरन बताऊंगी कि हमारी बर्थडे थीम क्या थी। आप लोग पहले ही जो है वो गैस कर चुके होंगे, क्योंकि बर्थडे थीम जो है वो हमारी अकॉर्डिंग थी हमारे कार्ड के। हमने कार्ड जैसा बनवाया था वैसा ही हमने रखी थी बर्थडे थीम, और बर्थडे थीम जो है वो थी हमारी मिनी माउस की। तो मिनी माउस की बर्थडे थीम ब्लैक और रेड। आपको दिखाती हूँ मैं स्टेज, ये आप देख सकते हैं प्यारा प्यारा सा स्टेज हमने डेकोरेट करवाया था, बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टेज जो है वो हमने बनवाया था। ये देखें सालगिरह जो थी वो इसकी थी फर्स्ट बर्थडे, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो है मिनी माउस की थीम रखी थी, और मिनी माउस का ही जो है वो पूरा बनवाया था हमने स्टेज। बहुत ही ज़बरदस्त है स्टेज, पीछे आप देख सकते हैं मिनी माउस का जो है वो बना हुआ है प्यारा सा बैंड, और इसके अलावा हमने पीछे सारा निकलवाया था प्रिंट आउट, और ये सब कुछ जो है वो उन्होंने डेकोरेशन वाले ने किया था। बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। तो ये हमारा था स्टार्टर, उसके अलावा सबकी जान सबकी पसंदीदा बिरयानी जो कि हर इवेंट के अंदर होती है बिल्कुल कंपलसरी। तो ये आप देख सकते हैं हमने रखी थी इसके साथ बिरयानी, और बिरयानी के साथ भी कॉम्बिनेशन होता है रोटी सालन का। इसके साथ साथ हमने रखा था ये ताफ्तान, और ताफ्तान के साथ तो जी होता है कंपलसरी सालन। तो ये सालन में हमने रखा था कढ़ाई गोश्त, बड़ा ही ज़बरदस्त सा कढ़ाई गोश्त आप देख सकते हैं, बड़ा ही टेस्टी था, बहुत ही ज़बरदस्त सा था। और ये आ गए हैं यमी से टिक्के, जो कि आजकल जो है बिल्कुल ट्रेंड बन गया, मतलब कि आपने जो है ना वो बिरयानी भी रखनी है तो सालन भी रखना है, उसके साथ एक ड्राई आइटम भी रखना है, तो हमने ड्राई में जो है वो लिया था टिक्के। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं ये है बैंगन का सालन, वो हमने ऐसे ही रख दिया था, और ये इसकी चटनी, ये रायता, और साथ में रखा है ये हमने सलाद, और सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा, बड़ा ही ज़बरदस्त गाजर का हलवा था ये आप देख सकते हैं। मेन्यू पूरा का पूरा मैं आपको आपके साथ साथ जो है वो कर रही हूँ शेयर, और इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से इस। ये आप देख सकते हैं ये हमें मिली हैं गिफ्ट्स, और ये मैंने रिसीव की हैं अपनी प्यारी सी क्या कहते हैं इसको, कौन सी चूड़ियाँ कहलाती हैं, ये प्यारी सी मीने की चूड़ियाँ। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आई हैं बेबी के गिफ्ट के अंदर, जिसके अंदर ये है इनका स्विंग और चेयर, इसके साथ साथ हैं बहुत प्यारे प्यारे बहुत सारे गिफ्ट्स जो कि हम कर चुके हैं ओपन, और ये अभी पूरा जो है ना वो फैला हुआ है घर, क्योंकि ये अभी अभी आया है और हमने अभी ये देख ही रहे हैं, सब जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको दिखा रहे हैं, तो ये इस वजह से ऐसे ही अभी सामान फैला हुआ है, हम इसको करेंगे थोड़े ही टाइम के बाद सेट। ये आप देख सकते हैं ये प्यारी सी गाड़ी, इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, ये स्विंग है इनका, बड़ा ही प्यारा सा झूला जिसके ऊपर ये अभी बैठ नहीं रही हैं, अभी डर रही हैं। इसके अलावा ये हमें इसको मिला था टेंट हाउस, और कुछ शर्ट्स कपड़े, ये देखें ये कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें अभी हुई हुई हैं पैक। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेरे साथ रहिएगा।